दोस्तों, आज जो टॉपिक है विंटर के सबसे बढ़िया प्लांट मैरीगोल्ड फ्लावर पे है। इसकी केयर और जो इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा लेने के लिए जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैरीगोल्ड का फ्लावर अगर आपने ज़मीन में लगाया है तब तो उसमें कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधा खुद खींच लेता है। और अगर आपने पॉट में लगाया है तो उसमें तो बहुत ज़रूरत होती है खाद की। इसमें आप DAP का यूज भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए। DAP के 2-3 दाने इसमें आप साइड में जो है जड़ से थोड़ा सा दूर पॉट के नज़दीक लगभग 2-4 दाने भी डाल दें। हफ्ते में भी डालें DAP तो इसमें जो है फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। और जो इसके जो पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते भी सूख जाते हैं, तो उनको भी आप जैसे ये पत्ते सूख रहे हैं इनको निकाल दीजिए, क्योंकि पत्ते जो हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खींचने लग जाते हैं। इसलिए जो जितने पत्ते ज़्यादा होंगे इसमें सूखे हुए उतना आपका पौधा जो है जल्दी डल होगा। इसलिए जो सूखे पत्ते हैं उनको तो निकाल ही दीजिए आप। और जो ये देखिए पत्तों में जो है इस टाइप के जो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है इनको भी आप निकाल दीजिए। इस टाइप के देखिए इससे क्या होता है फंगस लगने का डर रहता है, ये पत्ते निकाल दीजिए। बाकी इसमें मैरीगोल्ड में इस टाइप की कोई और दवाई वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है नहीं। मेन कारण मेन ये रहता है कि इसके फूलों में जो है कीड़ा लग जाता है। फूलों में तो हम दवाई दवा डाल नहीं सकते, इसलिए जो फूल ख़राब होते रहते हैं उनको निकालते रहिए। ये देखिए जो ये फ्लावर खिले हैं ये छोटे छोटे पॉट में लगे हैं। देखिए मैरीगोल्ड जो है छोटे पॉट में भी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। बस इसमें जो है खाद वगैरह जो देनी होती है संतुलित खाद वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए जैसे ये मेरा पहले पहले ग्रो हो गया है, पहले लगाया हुआ है बीज है। उसके बाद मैंने एक दोबारा ये लगाया था। इसकी मैं आपको इसमें से बताऊंगा आपको केयर कैसे करनी है। ये जो मैंने इसमें ऊपर से ये राइस हस्क वगैरह डाला है इसकी वीडियो में ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसका यूज करें तो इसमें जो फ्लावरिंग है वो अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो है पानी जो है नमी बने रहती है। इससे इसकी मल्च अगर आप राइस हस्क का रख दें ऊपर से तो इसमें जो है नमी बने रहती है, जिससे कि इसमें पानी की कमी नहीं रहती। तो ये जो इसमें बड़ से देखिए कितने आ रहे हैं बढ़िया, ये इसका मेन कारण है। जब आप मैरीगोल्ड का कोई भी नर्सरी से फ्लावर लाते हैं तो उसको अगर आप किसी गमले में या किसी और पॉट में लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जो है नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या होता है इसके पत्ते अगर अच्छे रहेंगे हरे रहेंगे तभी इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। नाइट्रोजन और मेन होता है जो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से इसमें जब फॉस्फोरस तब दिया जाता है जब इसकी कलियाँ कलियाँ बनने लग जाती हैं। कलियाँ बनने के बाद इसमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो है मैं जो देता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें जो है ये चाय पत्ती है, यूज्ड चाय पत्ती जो होती है उसको आप अगर अच्छे से धो लें और बढ़िया से छान के उसको सुखा लें तो इस टाइप की हो जाएगी। इसको आप हल्का हल्का भी अगर इस ऐसे दे दें इसमें चाय पत्ती। और नाइट्रोजन युक्त के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, यह है वर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट से बनाया हुआ। ये देखिए ये भी इसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन कैल्शियम बोरॉन जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह और आम न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब पौधे को मिल जाते हैं। इसमें आप ये दे दीजिए, इसकी जड़ें इतनी होती हैं कि ऊपर से दिखाई देंगी आपको, इसकी इसमें जड़ें बहुत आ जाती हैं। ये थोड़ा बड़े फ्लावर वाला फूल है, इस टाइप के इसमें फूल खिलते हैं। देखिए ये फूल खिलते हैं। ये आप इसने आपने इसमें जो ये खाद दे दी उसके बाद इसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा सीमित रखिए। एकदम ज़्यादा पानी से भी इसमें फंगस का डर रहता है, फंगस की वजह से इसके पत्ते वगैरह ख़राब हो जाते हैं जो कि बाद में सर्वाइव नहीं कर पाता है जिसकी वजह से प्लांट। इसलिए आप इसमें एक मेन कारण यह है कि फंगस ना आए इसमें। और जो जो फ्लावर सूखते रहते हैं इसमें जो है फ्लावर सूखने का बहुत दिन तक खिले रहते हैं होने को, तो लेकिन जब फ्लावर सूखते हैं तो उनको आप कट कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए ये फ्लावर सूखा हुआ है, ये इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, फिर इसमें दूसरी जो यहाँ से ग्रोथ आएगी उसमें दूसरा फूल खिल जाएगा। मैरीगोल्ड में और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप कैसे भी किसी भी पॉट में लगा दीजिए ये बढ़िया ग्रोथ करता है। ये छोटी सी वीडियो मैंने मैरीगोल्ड की उसमें बनाई थी, क्योंकि आजकल मैरीगोल्ड जो है अच्छा खिल रहा है उसके उसमें आपको टिप्स देने के लिए कि ज़्यादा फ्लावरिंग आप कैसे ले सकते हैं।
ये छोटी सी वीडियो है, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।